जय गुरुदेव एव्रिवान् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मी श्री गुरुवे नम तस्मयी श्री गुरुवे नम इस श्लोक का अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा है गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है ऐसे गुरु को मैं सत शत प्रणाम करता हूँ हेलो एवरीवन माय नेम इज़ मेगा तयानी एंड आई एम योर साइंस टीचर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर सिक्स चेंजेस अराउंड अस व्हाट इज अ चेंज चेंज इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज द लॉ ऑफ अर नेचर यस. यू कैन सी मेनी एग्जांपल्स अराउंड यू यू माइट बी सींग इट बट ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि ये एक्चुअल में इट इज़ अ चेंज जैसे चेंज इन साइज छोटा बेबी बड़ा होता है और बड़ा होता है another change is change in size of plants. first change, change in size. we saw in young beings, now we are seeing in plants. first it is a baby plant, saplings, and then it grows into a tree. same way, there are changes in temperature. you can see during a sunny day, during winters, during monsoon, there are different, different temperatures. even during day and night, different temperature is there different temperature obviously it is there in different seasons but in the same season in the same day there is different temperature during day and night this change in position this is an another change planets are continuously evolving around sun they are changing its position continuously change in color is also a change like during sunset and sunrise color of the sky is something else

From solid to liquid. The question that comes now is, can we group or classify these changes? क्या हम इन सारे changes को अलग अलग तरीकों से classify कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स में बना सकते हैं रख सकते हैं Yes, दीज चेंजेस कैन बी बेसिकली डिवाइडेड into टू main मेन ग्रुप्स फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल एंड सेकेंड वन इज नॉन रिवर्सिबल ओकेट एस अंडरस्टैंड दिस बोथ ऑफ दैम इन डिटेल फर्स्ट वन रिवर्सिबल चेंजेस जो चेंज रिवर्स हो सकते हैं उन्हें रिवर्सिबल चेंजेस बोला जा सकता है अभी रिवर्स हो सकते हैं मतलब क्या जो भी सब्सटेंस चेंज हो चुका है ना उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में हम ला सकते हैं देन इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज यू कैन ऑप्टेन द चेंज सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म हाउ सी ऑरेंज पेपर है दैट इज़ माई ओरिजिनल पेपर विच इज इन ऑरेंज इन कलर उससे पेपर बोट बना ली नाउ इफ आई वोंट दिस पेपर बैक आई हैव टू सिंपली अनफोल्ड द बोट अगर मेरे पास दूसरा नीचे एग्जाम्पल देखो एक पेपर है अगेन उसको क्रश कर दिया अभी मुझे वापस ओरिजिनल चाहिए मैं उस पेपर को वापस अनफोल्ड कर दूंगी हाँ थोड़ा सा रफ हो जाएगा वो पेपर एकदम स्मूद नहीं होगा बट Still I can obtain my original substance back. So these are the examples of reversible changes. Now what are irreversible changes? The changes that cannot be reversed. ऐसे चेंज जिनको हम वापस reverse नहीं कर सकते. ऐसा चेंज जो permanent हो चुका है अभी. और इससे हमें original substance वापस नहीं मिल सकता.

तो नया सब्सटेंस बन गया ना अभी ऐश और स्मोक में से क्या हमें वापस हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस हमारा पेपर हमें वापस मिलेगा नो वी कैन नॉट द ओरिजिनल सब्सटेंस बैक सो दिस चेंज इज इवर्सिबल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस में डिफरेंस हम ये बोल सकते हैं एक तो एज द नेम इल्फ सजेस्ट कि हमें वापस मिल सकता है और नहीं मिल सकता प्लस उनके इंटरनल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है पूरी चेंज हो जाएगी पूरा नया सब्सटेंस अगर बन जाएगा उसमें से तो हम ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं ला सकते ठीक है सिर्फ उसका शेप साइज और वो सब चेंज होगा देन यस वी कैन ऑप्टेन इट बैक लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ द चेंजेस ओके फर्स्ट वन मेल्टिंग ओरिजिनल स्टेट जो है आइसक्रीम का देखो दिख रहा है उसको जब हीट किया तो क्या हो जाएगा मेल्टिंग हो जाएगा सो चेंज इन टू अ मेल्टेड स्टेट यस सो दिस चेंज इज वॉट ये चेंज कैसे आया मेल्टिंग से आया जब हीट प्रोवाइड हुई तभी ना कैन वी ऑप्टेन अवर ओरिजिनल स्टेट ऑफ आइसक्रीम बैक यस ऑब्वियसली वी कैन ऑप्टेन इट बैक उसको फ्रीज कर दो वापस से आइसक्रीम फ्रीज कर दो जो पिघल चुकी है तो हमें मिल जाएगी ना सॉलिड फॉर्म में आइसक्रीम सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज

हमारा बलून जो था पहले वाला वापस मिलेगा येस ऑब्वियसली वी कैन ऑप्टेन दैट बैक सो दिस इज रिवर्सिबल चेंज यूजिंग पेंसिल एंड इरेजर पेंसिल और इरेजर हमने यूज़ किया तो देखो कंटिन्यूसली हमने पेंसिल शार्प की है और इरेजर भी यूज किया है तो लेफ्ट साइड में दो दिखाए फिर राइट right साइड में दो पिक्चर्स दिखाएं पेंसिल और इरेजर का तो चेंज हो गया ना इतना जो राइट right साइड में दो दिए हैं पेंसिल और इरेजर उतने शेप में चेंज हो चुका है हमें क्या वापस जैसा ओरिजिनल था वैसा मिल सकता है इरेजर एंड पेंसिल नो वी कैन नॉट ऑप्टेन दैट बैक सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरिवर्सिबल चेंज फ्रीजिंग फ्रीज करना है हमें इसमें पानी लिया हमने और उसको फ्रीज करके बर्फ बना लिया वी ऑप्टेन आइस फ्रॉम अ ग्लास ऑफ वाटर सो yes, so, पानी में से हमने आइस बना ली ये ऑब्वियसली चेंज है पर क्या ये इरिवर्सिबल है क्या रिवर्सिबल है कौन सा चेंज है मुझे आइस में से वापस पानी मिल सकता है ये yes, सिर्फ उसको बाहर रख दो तो वो पिघल जाएंगे ना सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज लेट अस सी एन अनदर एग्जाम्पल जूस मेकिंग हमने जूस बना लिया ऑरेंज में से ऑरेंज का जूस बनाया

नो वी केन नॉट ऑप्टेन दैट बैक वी के नॉट ऑप्टेन मिल्क बैक फ्रॉम द कर्ड तो ये कौन सा चेंज हो गया इिवर्सिबल चेंज हो गया मिक्सिंग शुगर इन वाटर ये हमने प्रिवियस चैप्टर्स में एक्साम्पल्स में देखा हमने सॉल्ट और शुगर जो हम डिजोल्व कर रहे थे पानी में फिर हीट करके ईपरेशन कर प्रोसेस कर रहे थे तो पानी तो इवोपरेट हो जा रहा था नीचे हमें वापस से सॉल्ट एंड शुगर के क्रिस्टल्स मिल रहे थे ना

From raw ingredients, can we obtain that raw ingredients back? No, we cannot obtain it back. So, it is an example of irreversible change. देखो ये वाला एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा पर उसमें हमने डो में से रोटी बेली फिर रोटी बेलने के बाद हमने रोटी को सेक लिया था सेकी हुई रोटी में से हमें आटा वापस नहीं मिल सकता यहाँ पे मैंने सिर्फ आटा बेला है यस yes, हमने बेल दिया है रोटी चपाती हमने सिर्फ बेल दी है आई के नॉट टेन द डो बैक फ्रॉम इट नो सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज सीखने के बाद हमें वापस नहीं मिल सकता ओके बर्निंग ऑफ अगरबत्ती इंसेंस्टिक बर्न करते हैं तो क्या निकलता है ऑब्वियसली स्मोक एंड एश सो दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ विथ्स चेंज इसमें न्यू सब्सेंस बने ना एश एंड गैसेस सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इ रिवर्सिबल चेंज राइपनिंग ऑफ फ्रूट राइपनिंग मतलब पक जाना कच्चे में से पक्का बनना तो देखो आम है कच्चा आम था उसमें से पक्का फिर और पक गया सड़ गया क्या हमें वो सड़े हुए फ्रूट में से वापस से कच्चा फ्रूट रो फ्रूट मिलेगा नो वी के नॉट ऑप्टेन इट बैक सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इ रिवर्सिबल चेंज नाव लेटस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन अभी तक आप बोलोगे हम लर्न कर रहे थे एग्जाम्पल्स रिवर्सिबल इवर्सिबल चेंजेस की सडनली हम एक्सपेंशन और कंट्रेक्शन क्यों सीखना है एक्सपांशन एंड कंट्रेक्शन आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स आर सब पार्ट्स हम ऐसे होते हैं ये सब डिविजन है रिवर्सिबल इिवर्सिबल का तो पहले हम समझते हैं ये क्या है फिर क्लियर हो जाएगा कि हमने क्यों लर्न किया ये ठीक है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी हम हीट करेंगे तो क्या होता है वो साइज़ में एक्सपांड हो जाता है उसकी साइज इंक्रीज़ हो जाती है इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सपेंशन सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड इट इंक्रीज इन साइज एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन सेम चीज़ अगर हम गर्म नहीं कर रहे अभी हम उसे ठंडा कर रहे हैं ठीक है तो ऑब्जेक्ट की साइज़ डिक्रीज हो जाएगी वो कंट्रैक्ट हो जाएगा एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन सो द डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग इज़ कॉल्ड कंट्रैक्शन एक्सपांशन अकर्स ऑन हीटिंग वेर एज कॉन्ट्रेक्शन अकर्स ऑन कूलिंग यह याद रखना है एक्सपांशन प्रोसेस कब होती है जब कभी भी हम हीट करेंगे और कंट्रेक्शन प्रोसेस कब होती है जब कभी भी हम कूल cool करेंगे उस ऑब्जेक्ट को ठीक है एक्सपांशन जो हीट करके हुआ उसको हम कैसा चेंज बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वापस वो चीज मिल जाती है ना एंड दिस इज द रीजन वी लर्न इन डिटेल एक्सपांशन इन कंट्रैक्शन हम जब हीट करेंगे तो वो एक्सपांड हो जाएगा तो साइज में बड़ा हो गया पर उसी को आप कूल cool करोगे तो वापस मिल जाएगा ना वही शेप तो ये रिवर्सिबल हो गया ना लेट एस अंडरस्टैंड वेयर दिस एक्सपांशन इन कॉन्ट्रैक्शन इज यूज सॉयल डिगिंग टूल्स होते हैं ना बहुत सारे तो वह टूल्स में अगर आप देखो ना लेफ्ट साइड वाला पिक्चर देखो तो उसमें हैंडल और आयन ब्लेड्स होती हैं इन दोनों को फ़िक्स किया जाता है साथ में तो राइट right साइड में जो पिक्चर्स दी है ना ऐसे टूल्स बन जाते हैं ठीक है जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना होता है आयन ब्लेड जो होती है ऑब्वियसली आयन से बनी हुई है दैट इज़ अ मेटल तो क्या करते हैं सबसे पहले ये आयन मेटल जो होती है ना उसको ना गरम करते हैं मतलब हीट करेंगे और आप देखो तो आयन ब्लेड जो होती है हो, उनके बीच में ना होल है रिंग जैसा बना हुआ है अभी ये हैंडल उसके अंदर फिक्स कैसे होता है वो लर्न करेंगे तो हम क्या करेंगे आयरन ब्लेड को सबसे पहले हम हीट करेंगे तो उसके बीच की जो रिंग है वो भी हीट होगी तो वो एक्सपांड होगी मतलब वो थोड़ी सी साइज में बड़ी होगी तो हम वुड का जो हैंडल है वुडन हैंडल है वो उसको अंदर फिक्स कर देंगे फिर उसको अभी हम ठंडा होने देंगे ठंडा होने के लिए आप उसमें पानी भी डाल सकते हो तो वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा नाउ वी नो जब भी कूलिंग प्रोसेस होगा तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट तो अभी यह ब्लेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो एकदम जो वुड का हैंडल था वो उसके अंदर फिक्स हो जाएगा टाइटली उस हैंडल हैंडल जो है वो रिंग में फिक्स हो गया तो इस तरीके से हमारा सॉइल डिगिंग टूल रेडी हो गया ठीक है सेम थिंग इज यूज वाईल फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन द वुडन व्हील मेटल की जो रिम होती है ना वो भी वुडन व्हील पे ऐसे ही लगाई जाती है वुडन का व्हील तो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेटल से बनी हुई जो रिम है ना उसको पहले हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाएगी फिर उसको व्हील के ऊपर लगा देते हैं फिर उसको ठंडा करेंगे चाहे आप कोल्ड वाटर उस पर डाल दो तो रिम क्या हो जाएगी कंट्रैक्ट हो जाएगी तो इस तरीके से रिम विल फिट टाइटली ऑन द व्हील अंडरस्टूड नाउ कैन वी ब्रिंग चेंज इन द सब्सटेंस बाय ऑल दीज थिंग्स हम क्या कोई भी चेंज इस तरीके से ला सकते हैं By applying force? Yes. We can bring it heating. Yes, that is changing temperature. Mixing it with some other substance also and by applying pressure. So, these are the different ways through which we can bring a change in the substance. Okay, so you need to remember this. We can bring change in a substance by applying force, by heating it means changing its temperature, or by mixing it with some other substance or by applying pressure clear that's it here we end our chapter this was very short and very easy chapter i hope you all have understood this very well thank you so much stay happy stay healthy learn well eat well